टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारी स्टोरीज दी हुई हैं जिसके थ्रू ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। इन स्टोरीज के थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि रूरल इंडिया में कैसी लाइवलीहुड्स एग्जिस्ट करती है, लोग कैसे पैसे कमाते हैं, उनका प्रोफेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन प्रोफेशंस में प्रॉब्लम्स क्या होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब अलग अलग रीजन्स में रहते हैं तो लोगों का काम डिफरेंट होता है, वो कौन से प्लांट्स उगाते हैं, ट्रीज, क्रॉप्स, ये सब भी डिफरेंट होता है, और साथ ही साथ उनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज भी काफी डिफरेंट हो सकती हैं। सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि विलेजेस में लोग पैसे कैसे अर्न करते हैं, अपनी लिविंग कैसे कमाते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि उनकी लाइफ सिचुएशंस में क्या सिमिलैरिटीज हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो। ठीक है, तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं कि विलेजेस में किस टाइप के काम एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे तरह के काम हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग और उनकी फैमिलीज जो होती हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट जैसे ही हम विलेजेस के बारे में सोचते हैं हमें एग्रीकल्चर ही ध्यान आता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस और एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन फार्म वर्क। तो जो भी लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, खेती नहीं करते हैं, वो नॉन फार्म प्रैक्टिसेस करते हैं, नॉन फार्म वर्क्स करते हैं। उसके साथ साथ काफी लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैकस्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर पर्सन, ये कितने सारे लोग हैं जो कितने सारे काम करते हैं। इसके अलावा क्या काम होता है, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, जो लोग जैसे चाय की दुकान चलाते हैं या ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, कपड़े की दुकान चलाते हैं, फर्टिलाइजर्स और सीड्स बेचते हैं, ये सारे शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। इसके अलावा और भी प्रोफेशंस होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या लॉरी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऐसे कितने सारे काम हैं जो लोग करते हैं स्पेशली रूरल एरियाज में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी स्टोरीज हैं और जनरली हम क्या करते हैं, हम उन स्टोरीज के की पॉइंट्स आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा चैप्टर ही स्टोरीज से बना हुआ है, तो इसलिए इन स्टोरीज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तीन शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसमें से दो जो हैं वो कल्पट्टू विलेज में बेस्ड है। ये विलेज तमिलनाडु का जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, उसके पास सिचुएटेड है, कोस्ट मतलब सी के पास। जो थर्ड स्टोरी है वो कल्पट्टू विलेज के पास एक दूसरा गांव है, पुदुपेट, वहां पे बेस्ड है। इन स्टोरीज से हमें एक जनरल आइडिया लगेगा कि रूरल एरियाज में लाइवलीहुड कैसी होती है। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कल्पट्टू विलेज के बारे में, क्योंकि दो स्टोरीज वहीं पे बेस्ड है। कल्पट्टू विलेज के जो लोग होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि दूसरे विलेजेस में करते हैं। ये विलेज जो है ये छोटे छोटे हिल्स से सराउंडेड है, तो एक तो सी के पास सिचुएटेड है, दूसरा आसपास छोटे छोटे हिल्स भी हैं। यहाँ पे जो मेन क्रॉप उगाया जाता है वो है पैडी, विच इज राइस। मैक्सिमम फैमिलीज की अर्निंग एग्रीकल्चर से आती है, इसका मतलब मैक्सिमम फैमिलीज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। कुछ कोकोनट ग्रोव्स और मैंगो ऑर्चर्ड्स भी हैं, इसका मतलब कुछ लोग जो हैं वो कोकोनट के पेड़ भी लगा रखे हैं उन्होंने और मैंगो के पेड़ भी लगा रखे हैं, और उसके साथ ही साथ कॉटन, शुगर केन और प्लांटेन भी उगाया जाता है। कॉटन मतलब रुई, शुगर केन मतलब गन्ना, और प्लांटेन मतलब एक ऐसा फ्रूट होता है जो बनाना जैसा दिखता है लेकिन उसको एक वेजिटेबल की तरह पका के खाया जाता है। तो ये एक जनरल सेटिंग है कल्पट्टू विलेज की। यहाँ पे एक लेडी रहती है जिनका नाम है तुलसी। पहली स्टोरी इन्हीं के बारे में है। तुलसी जो है वो एक आदमी है रामलिंगम, उनके एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करते हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड का ओनर है रामलिंगम और तुलसी वहाँ पे काम करती हैं एज अ वर्कर। रामलिंगम एक फार्मर हैं जिनके पास 20 एकर्स पैडी फील्ड्स हैं कल्पट्टू विलेज में, तो बहुत बड़े फील्ड्स हैं, राइस के फील्ड्स हैं जहाँ पे वो राइस उगाते हैं। तुलसी जो है वो शादी से पहले भी, अपनी मैरिज से पहले जिस विलेज में रहती थी वहां पे भी वो एज एन एग्रीकल्चरल वर्कर काम करती थी पैडी फील्ड्स में, तो उनको आदत है ऐसे काम करने की। उनके जो वर्क आवर्स हैं वो सुबह 8:30 से शाम को 4:30 तक होते हैं और वो यही काम इतने सालों से कर रहे हैं। इनफैक्ट अब जब उनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है तो अब उनको ये काम करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैडी के फील्ड में जब आप काम करते हो तो आपको लगातार झुक के काम करना पड़ता है और आपके पैर जो होते हैं वो पानी में होते हैं। तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है ये काम उनको थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है। रामलिंगम की जो वाइफ है उनका नाम है करुथम्मा और वो सारे वर्कर्स को सुपरवाइज करती है, उनका काम देखती है। तुलसी यहाँ पे वर्कर की तरह काम तो करती हैं लेकिन पूरे साल नहीं करती, इट इज नॉट अ रेगुलर वर्क, उनको एवरीडे काम पे नहीं आना पड़ता है। जब इस फील्ड में काम रिक्वायर्ड होता है, वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तब इनको बुलाया जाता है, ये काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, उनको फील्ड पे जनरली 4 times a year बुलाया जाता है। पहला काम है सैपलिंग्स को प्रिपेयर करना, जो राइस की सैपलिंग्स होती है, जो पैडी की सैपलिंग्स होती है, सैपलिंग मतलब छोटा पौधा, उनको पहले तैयार करके अलग से रखा जाता है जिससे वो थोड़ा सा ग्रो कर सके, उसके बाद उनको फील्ड में प्लांट किया जाता है। तो पहले जब उनको प्रिपेयर किया जा रहा है उनके छोटे स्टेज में, तब जरूरत पड़ती है। सेकंड, जब इस छोटे से पौधे को फील्ड में लगाया जाता है उसको कहा जाता है ट्रांसप्लांटिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग में जरूरत पड़ती है।
तीसरा, जब प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो प्लांट्स के साथ साथ वहाँ पे वीड भी उग जाती है, जो जंगली घास होती है वो भी उग जाती है, तो उसको हटाना जरूरी होता है। तो वीडिंग करने के लिए, मतलब उन वीड्स को निकालने के लिए, फिर वर्कर्स बुलाए जाते हैं। और लास्टली, जब हार्वेस्ट करना होता है, मतलब क्रॉप्स तैयार हो चुके हैं, अब उनको हार्वेस्ट करना है, क्रॉप की कटाई करनी है जिससे आप उसको स्टोर कर सको या बेच सको, तो उसके लिए भी वर्कर्स बुलाए जाते हैं। रामलिंगम जो है वो वर्कर्स को 40 रुपीज पर डे देते हैं, तो दैट इज देयर अर्निंग पर डे। तुलसी का जो पहले वाला विलेज था, जहां वो मैरिज से पहले रहती थी, वहां पे इससे थोड़े से ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन तुलसी फिर भी यहाँ पे काम कर रही है क्योंकि रामलिंगम प्रोवाइड्स डिपेंडेबल वर्क। इसका मतलब उनको मालूम है कि कम से कम साल में 4 बार ऐसा टाइम आएगा जब हमें यहाँ पे काम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रामलिंगम जो है वो हर साल उन्हीं वर्कर्स को बुलाते हैं काम करने के लिए। वो दूसरे विलेजेस में जाके चीप लेबर नहीं ढूंढते हैं कि भाई सबसे सस्ता जो मिल जाए हम उसको बुला लाएं, वो इतना ये सब नहीं करते हैं। वो सेम वर्कर्स को ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं को हर साल बुलाते हैं। तो इससे वर्कर्स का भी फायदा होता है क्योंकि उनको मालूम है कि ये काम फिक्स्ड है और हमें ये काम मिलने ही वाला है, तो हर साल इस काम से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो पक्के हैं, वो आएंगे। अब तुलसी के वर्क के बारे में जान लिया, अब थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तुलसी के जो हस्बैंड है उनका नाम है रमन और वो भी एक लेबरर है। तुलसी और रमन का खुद का कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है जहाँ पे वो खुद की खेती करें। ट्रांसप्लांटिंग सीजन में, जैसे तुलसी तो वहाँ पे काम करने जाती है रामलिंगम के फील्ड्स में, रमन जो है वो पेस्टिसाइड छिड़कने का काम करते हैं। पेस्टिसाइड से आपको भी मालूम है क्रॉप्स में कीड़े नहीं लगते हैं, कीटनाशक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो रमन जो है वो पेस्टिसाइड छिड़कने का काम करते हैं। और जब फार्म्स पे कोई काम नहीं होता है तब वो बाहर जाके काम ढूंढते हैं। जैसे कि आसपास जहाँ पे वो रहते हैं उसके पास में एक रिवर है जहाँ से सैंड को लोड किया जाता है कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए, तो वहां पे लेबरर का काम कर लेते हैं। या फिर पास में क्वारी भी है, क्वारी का मतलब जहाँ से स्टोन्स की माइनिंग होती है, पत्थरों की माइनिंग होती है, जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए, तो वो वहां पे लेबरर का काम कर लेते हैं। ये जो सैंड या पत्थर निकाले जाते हैं इनको पास के टाउन्स में भेजा जाता है कंस्ट्रक्शन में, हाउसेज में यूज करने के लिए। रमन जो है वो थोड़ा बहुत घर का काम भी करते हैं, जैसे घर के लिए ग्रोसरीज लाना। सो एक टिपिकल लाइफस्टाइल है हस्बैंड वाइफ की, जहाँ पे तुलसी भी वहाँ पे बाहर काम करने के साथ साथ घर पे भी कुकिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना ये सब काम करती हैं। उसके साथ साथ वो कुछ और काम भी करती हैं, जैसे पास की फॉरेस्ट से जाके फायरवुड कलेक्ट करके लाना दूसरी लेडीज के साथ, या फिर विलेज का जो बोरवेल है वो 1 किलोमीटर दूर है, वहां से जाके पानी लेके आना घर के लिए। तो ये सब काम भी हैं घर के जो उनको करने पड़ते हैं। तुलसी और अमन की बेटियां भी हैं जो स्कूल जाती हैं। पिछले साल इनमें से एक की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको टाउन में जो हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट करना पड़ा था, तो उस हॉस्पिटल के पैसे चुकाने के लिए उन्होंने रामलिंगम से पैसे बोरो किए थे, और उस पैसे को वापस चुकाने के लिए उनको अपनी काओ, उनके पास एक काओ थी, उसको सेल करना पड़ा था। सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न? पहली चीज, एक्स्ट्रा वर्क। जो रूरल फैमिलीज होती हैं उसमें से काफी फैमिलीज को कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, जैसे कि फायरवुड कलेक्ट करना जिससे वो जला के फ्यूल की तरह यूज कर सके, या पानी लेके आना, या अपनी कैटल्स को ग्रेस कराने ले जाना। ये एक्स्ट्रा काम होते हैं जिसके उनको पैसे नहीं मिलते हैं, पर ये उनको घर के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये काम भी जरूरी है, इसके पैसे नहीं मिलते, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हाउस होल्ड। दूसरी चीज जो हमने सीखी, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में। हमारे इंडिया की जो रूरल फैमिलीज हैं उसमें से अराउंड 2/5 फैमिलीज एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह ही काम करती हैं। तो 2/5 कितना हुआ, अगर आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं तो आपको मालूम है, अगर 100 फैमिलीज हैं तो उसका 2/5 कितना हुआ, 40 फैमिलीज। सो दैट इज अराउंड 40%। तो रूरल इंडिया की 40% फैमिलीज एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह काम करती हैं। इनमें से कुछ कुछ फैमिलीज के पास अपने खुद के भी छोटे लैंड्स हैं, लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज लैंडलेस हैं, जैसे कि तुलसी की फैमिली। तीसरी चीज जो हमने सीखी वो है सीजनल वर्क। जरूरी नहीं है कि उनके पास पूरे साल काम अवेलेबल हो जिससे वो पैसे कमा सके, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा वरना पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आप साल में सिर्फ कुछ कुछ टाइम काम करो और उसकी थोड़ी बहुत इनकम हो तो पूरे साल सस्टेन कैसे करेंगे। तो इसीलिए काफी लोग जो है वो काम की तलाश में, जब उनके पास काम नहीं होता है, तो काफी दूर दूर तक ट्रैवल करके जाते हैं टू फाइंड वर्क। और ये ट्रैवल और माइग्रेशन जनरली कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में होता है। जब उनके खुद के गांव में काम अवेलेबल है तब वो माइग्रेट नहीं करते हैं, जब वहां पे काम अवेलेबल नहीं होता है जिस सीजन में, तब वो ट्रैवल करके जाते हैं और कहीं और काम ढूंढते हैं। अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसके लिए हम रामलिंगम के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। रामलिंगम की जो फैमिली है वो लैंड तो ओन करती है, उसके साथ साथ एक राइस मिल भी ओन करती है, और उनकी एक शॉप भी है जो सीड्स और पेस्टिसाइड्स बेचते हैं। राइस मिल को बनाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे खुद के यूज किए थे और कुछ पैसे गवर्नमेंट बैंक से लोन में लिए थे। राइस मिल मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे राइस को प्रोसेस किया जाता है, राइस को क्रॉप से निकाल के साफ करके बेचने के लिए तैयार किया जाता है। तो रामलिंगम जो है वो अपने विलेज से और आसपास के विलेज से पैडी खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर जो राइस रेडी होता है उसको ट्रेडर्स को बेचते हैं। दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, इससे उनको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। जो दूसरी स्टोरी है वो है सेकर की।
अभी तक हमने देखा तुलसी की स्टोरी, जिनके पास लैंड खुद का नहीं था, वो एग्रीकल्चरल लेबरर थे। सेकर जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, इनके पास खुद का लैंड है 2 acres बड़ा, और इनकी पूरी फैमिली फील्ड पे काम करती है। ये दूसरे एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हायर नहीं करते हैं, फैमिली मिलके ही काम कर लेती है। कभी कभी जब वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, जैसे स्पेशली हार्वेस्ट सीजन में जब बहुत मेहनत लगती है, तो एग्रीकल्चरल लेबरर हायर करने के बजाय ये क्या करते हैं, आसपास के दूसरे फार्मर्स की हेल्प ले लेते हैं। तो जो पड़ोसी फार्मर्स है वो भी आके हेल्प कर देते हैं, फिर जब उनके यहाँ हार्वेस्टिंग होती है तो सेकर और उनकी फैमिली भी जाके वहाँ हेल्प कर देती है। तो इस तरह से नेबर्स जैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वैसे ये लोग अपना काम कर लेते हैं। सेकर ने अपने काम के लिए, अपने फील्ड के लिए एक ट्रेडर से सीड्स और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब खाद जिससे क्रॉप्स अच्छे उगते हैं, तो सीड और फर्टिलाइजर्स को उधार पे लिया था। और इस उधार को चुकाने के लिए उनकी डील ये हुई थी कि जब वो राइस उनका हार्वेस्ट हो जाएगा, पैडी हार्वेस्ट हो जाएगा, तब उसमें से कुछ हिस्सा वो ट्रेडर को कम दाम पे बेच देंगे उस लोन को चुकाने के लिए। सेकर की जो फील्ड है 2 acres की फील्ड, उससे अराउंड उनको 60 bags ऑफ पैडी मिल जाते हैं। इसमें से कुछ बैग्स तो वो उस ट्रेडर को दे देंगे अपना लोन सेटल करने के लिए, अपना लोन चुकाने के लिए, और कुछ बैग्स वो अपने घर के लिए रख लेंगे जिसको वो खाने की तरह घर में यूज कर पाए। लेकिन ये जो राइस है ये उनके लिए सिर्फ 8 months चलेगा, जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखेंगे दैट विल लास्ट ओनली फॉर 8 months। तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए जिससे वो बाकी बचे हुए महीनों में भी खाना प्रोवाइड कर सकें अपने घर को। तो इस एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो रामलिंगम के राइस मिल में काम करते हैं। यहाँ पे वो हेल्प करते हैं दूसरे फार्मर्स से पैडी कलेक्ट करके लाने में, और साथ ही साथ सेकर के पास एक काऊ भी है जिसका मिल्क वो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में सेल करते हैं। मिल्क कोऑपरेटिव एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके पास काउज या बफलोज हैं, वो मिल्क लेके आते हैं मिल्क कोऑपरेटिव में, और मिल्क कोऑपरेटिव क्या करता है, उनको उसके अच्छे पैसे देता है और उस मिल्क को प्रोसेस करके पैक करके सेल करता है मार्केट में। ऐसा एक बहुत ही फेमस इंडिया का मिल्क कोऑपरेटिव है अमूल, दूसरा है मदर डेयरी। तो ये सब मिल्क कोऑपरेटिव है। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती है सेकर के पास, इससे वो बचे हुए महीनों में अपना घर चला पाते हैं। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न? पहली चीज डेट के बारे में, डेट मतलब उधारी। काफी बार फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर्स ऐसी चीजें उधार पे लेनी पड़ती हैं, या फिर वो इसके लिए अगर पैसे लेते हैं तो मनी लेंडर्स से पैसे बोरो करते हैं, मनी लेंडर्स से पैसे उधार पे लेते हैं। अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई या फिर क्रॉप्स कीड़ों ने अटैक कर दिया, क्रॉप्स खराब हो गए, तो मेजर क्रॉप फेलियर हो सकता है, जितनी भी मेहनत करी खेती में सब बेकार हो जाएगी। क्रॉप्स तब भी खराब हो सकते हैं अगर बारिश सही टाइम पे नहीं हुई, बिकॉज पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स के लिए, और फार्मर्स जो है वो मॉनसून पे, बारिश पे बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो फार्मर्स जो है वो अपना लोन वापस नहीं चुका पाते। कभी कभी हो सकता है कि लोगों के पास पैसे कम पड़े और सर्वाइव करने के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको और पैसे बोरो करने पड़े, और ऐसा करते करते काफी बार ऐसा होता है कि लोन इतना बड़ा हो जाता है कि उसको वो वापस चुका ही नहीं पाते। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर उधारी चढ़ गई, दे आर इन कंटिन्यूअस डेट। तो ये कॉमन चीज है जो फार्मर्स में हो रही है। और इन स्टोरीज से आपको आइडिया लग रहा है कि रूरल इंडिया में जो प्रोफेशंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसी के साथ हमने पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नागालैंड में टेरिस फार्मिंग कैसे होती है, कुछ स्टेटिस्टिक्स देखेंगे और थर्ड स्टोरी भी कम्प्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।